नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन करवाने का आज अंतिम दिन था। इसके चलते पहले ही भाजपा ने अंतिम समय पर अपने मेयर पद के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई थी। उसके बाद जिले भर में सभी राजनीतिक दलों के बीच केवल आम आदमी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी बच गई थी जिसने अपने प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया था। इसके बाद कयास ये भी लगाए गए थे कि हो सकता है कि आम आदमी पार्टी इस बार निकाय चुनाव के मैदान में न उतरे, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन आज ही आम आदमी पार्टी की ओर से भूपेंद्र मौर्य कातिब ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर मेयर पद के लिए अपना नामांकन करवा दिया। अब 11 मई को जिले में चुनाव होने हैं और 13 मई को मतगणना के बाद शहर को नया मेयर मिल जाएगा। सर, आपने आज नामांकन दाखिल करा है और ये मेयर के लिए क्या आपके मुद्दे हैं, किनको लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुद्दे वही हैं जो हमारी पार्टी के हैं, सफाई, बिजली और का अनावश्यक जो है बिल कम करना और जो भी सुख सुविधाएं दिल्ली में दी जा रही हैं सब पार्टी के द्वारा, वैसा ही जो है बरेली को मनाने का मन है। इसीलिए हम जो है आम आदमी पार्टी में आए प्रत्याशी के रूप में। जो दिल्ली में जिस तरह की व्यवस्था है, क्या उसी व्यवस्था को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वही हमारा मॉडल है और वैसा ही हमें बरेली को मनाने के लिए जो है हम आए हैं इस पार्टी में प्रत्याशी के रूप में। तो आपके क्या क्या विशेष करके मुद्दे हैं, क्योंकि इससे पहले भी कई पार्टियां नामांकन करा के जा चुकी हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं और आप अपना जो प्रतिरोध क्या कहते हैं, आप अपना कंपटीशन किससे मान रहे हैं? बरेली में हमारा कंपटीशन मतलब हम किसका नाम बताएं, नाम तो बताएंगे नहीं, किंतु यही है कि हम जो है मतलब जीत हमारी है, सुनिश्चित है और हम अपने तरीके से जो है अपनी टीम के साथ में इलेक्शन लड़ने आ गए हैं। विजय श्री तो हमको ही प्राप्त होनी है। अच्छा, पुराने 5 साल का जो कार्यकाल रहा जी, उसमें क्या क्या खामी आप देखते हैं? अब खामी गाने से कुछ लाभ मिलेगा नहीं, मौका मिलेगी, जनता देगी तो हम चेंज करके दिखाएंगे दिल्ली और बरेली में अंतर क्या है। दिल्ली जैसा मॉडल हम बरेली को बनाना चाहते हैं। आपने बरेली भ्रमण भी किया हुआ, तो किस तरह की खामियां आपको जो है देखने को मिली हैं पिछले मेयर? अब आप देख रहे हो जहां जाओगे बरेली खुदी पड़ी है, गड्ढे हैं, सीवर चौक पड़े हुए हैं, सीवरों में जो पाइपलाइन है बहुत पतली सी है नाम मात्र के लिए, हल्की सी बारिश हो जाती है सब बंद हो जाता है। इस तरह से बड़े बड़े अच्छे अच्छे मोहल्ले जो है पॉश कॉलोनियाँ भी पानी से भर जाती हैं। ऐसी एक समस्या नहीं है, बरेली में अनेकों समस्याएं हैं जिस पे हमें निरंतर काम करना है।